नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन तेज होती जा रही। हर दिन संक्रमण के मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,79,257 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए और 3,645 संक्रमितों की मौत हुई। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले मंगलवार को देश में 3,60,960 नए केसेस आए थे। इसी बीच भारत के लिए इस दुख की घड़ी में कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसी क्रम में रूस भी भारत की मदद के लिए सामने आया। कोरोना काल में भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट समेत कई उपकरण रूस ने भारत भेजे। जानकारी देते चले कि रूस से आज 2 स्पेशल उड़ानों के जरिए ये उपकरण भेजे गए। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने इसकी जानकारी ली। The Russian Federation decided to send humanitarian assistance to India in the spirit of the special and privileged strategic partnership between our two countries, as well as in the context of our anti-COVID-19 cooperation. For this purpose, 2 urgent flights operated by the Russian AmirCom arrived here today. These are oxygen concentrators, lung ventilation equipment, bedside monitors, medicines including Coronavir, and other essential pharmaceutical items. Joint fight against the coronavirus threat is one of the most important areas of our cooperation at present. It also includes the forthcoming deliveries of the Sputnik V vaccine starting from May 2021 and the subsequent facilitation of its production in India. Cooperation in the field of medical science. रूसी राजदूत ने कहा कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए रूस ने भारत की मदद करने का फैसला लिया। जानकारी देते चलें कि इससे पहले कई अन्य देश भी इस संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए मेडिकल उपकरण भेज चुके हैं। रूस से भेजे गए 2 कार्गो विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके। इन विमानों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेडसाइड मॉनिटर्स और दवाइयां। रूस के राजदूत ने आगे कहा कि कोरोना से जंग में दोनों देश एक साथ हैं। बता दें कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि कोरोना वायरस के इस संकट के समय में पुतिन ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और भारत को मानवता के आधार पर भेजी जा रही इमरजेंसी की मदद के बारे में भी जानकारी दी।